अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ओट्स सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप ऑयल का डालें और साथ ही इसमें एक छोटी प्याज स्लाइस काट कर डाल दें। इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 kg चिकन डाल दूंगी। चिकन मैं विद बोन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर डालूंगी, साथ ही इसमें 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर का डाल दें, साथ ही इसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड कर दें। 2 टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जी व्यूअर्स, टोमेटो प्यूरी और मसालों के साथ चिकन बड़ा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 2 कप पानी के डाल दूँगी। अब इसको ढककर मैं इतनी देर पकाऊँगी कि चिकन बड़ा अच्छा सा गल जाए। चिकन टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें मज़ीद 6 कप पानी के डाल दूंगी। इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लें। ये बहुत ही हेल्दी सूप है और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसको अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें 1.5 कप ओट्स का शामिल कर दें। इसमें अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए चम्मच चला लें। अब इसको कवर कर 5 मिनट के लिए पका लें। इसका ढक्कन आपने थोड़ा सा साइड पे रखना है। अब मैं इसमें 1 चिकन क्यूब शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप अगर चाहें तो इसको पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं या इस तरह भी आप इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे कवर करके इतनी देर पकाएं कि ओट्स मशी हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें स्पून चलाते रहें। ये बड़ा ज़बरदस्त सा सूप हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसको इंडिविजुअल सर्विंग बाउल में डालकर गरम-गरम सर्व करें। बहुत ही लो कैलोरी और हेल्दी सूप हमारा तैयार है।